हमीरपुर पॉलिटेक्निकल कॉलेज में रैगिंग के मामले के बाद पुलिस भी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और आगामी दिनों में रैगिंग और नशे पर शिकंजा कसने के लिए अब हमीरपुर पुलिस पेइंग गेस्ट पीजी में सर्च अभियान चलाएगी। एसपी हमीरपुर अरिजीत सिंह के अनुसार जिला के सभी पीजी की चेकिंग की जाएगी ताकि अप्रिय घटना न घट सके। वही नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे पीजी भवनों के भी रजिस्ट्रेशन को लेकर पुलिस जाँच करेगी ताकि अनाधिकृत पीजी भवनों पर शिकंजा कसा जा सके। एसपी हमीरपुर अरिजीत सिंह ने बताया कि पीजी भवनों के डाटा को खंगाला जाएगा और पीजी भवनों में सर्च ऑपरेशन भी किया जाएगा ताकि पीजी में रहने वाले छात्रों की समस्याओं का भी निपटारा किया जा सके। पीजी भवनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर एसपी ने कहा कि जल्द ही पीजी भवन मालिकों को बुलाकर उनके रजिस्ट्रेशन कागजात भी चेक किए जाएंगे और गैर कानूनी पीजी पर शिकंजा कसा जाएगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से हमीरपुर जिला में दर्जनों पीजी भवन खुले हुए हैं और कई पीजी भवनों में तो मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दी जा रही हैं, जबकि बच्चों से पैसे मनमानी दामों में ऐंठे जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस के द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर पीजी भवन मालिकों पर शिकंजा कसने की योजना बनाई है। वहीं निजी पीजी में बच्चों की सुरक्षा न होने के चलते रैगिंग का मामला सामने आया है, जिस पर अब पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। जिला भाजपा महामंत्री एवं एपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा ने केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पर की गई टिप्पणियों को लेकर विधायक राजेंद्र राणा पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि राणा को अनुराग व प्रेम कुमार धूमल से काफी डर सताने लगा है। उन्होंने कहा कि राणा तथा उनके सुपुत्र को अनुराग ठाकुर व प्रेम कुमार धूमल की आलोचना करना वो मीडिया में बने रहने की आदत से मजबूर हो गए हैं। शर्मा ने कहा कि राजेंद्र राणा राजनीतिक बयानबाजी छोड़कर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास पर बात करें। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में भारी मंदी पर केंद्र सरकार के 100 दिन पर जो मीडिया माध्यम से राणा अनुराग ठाकुर की आलोचना कर रहे हैं वह बेबुनियाद और तथ्यहीन है। अजय शर्मा ने कहा कि राणा तथ्यहीन बयानबाजी करके सुर्खियों में बने रहने की आदत में है और एक बार जनता ने सुजानपुर में उन्हें अपना समर्थन दिया है तो वही जनता अब पछता रही है और सुजानपुर की जनता ने लोकसभा चुनावों में अनुराग ठाकुर को अपना बहुमूल्य समर्थन देकर साबित किया कि वे भाजपा के साथ हैं। शर्मा ने कहा कि राणा अपना जन समर्थन करता देकर खीस मिटाने के लिए अनुराग ठाकुर व प्रेम कुमार धूमल पर आधारहीन आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कोई टिप्पणी करने से पूर्व राणा अपने गिरवान में जान कर देखें। अजय शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार 100 दिन में कई बड़े निर्णय लिए गए, जिसमें धारा 370-35A को हटाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि देश जल्द ही आर्थिक मंदी से बाहर निकलेगा और मंदी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र में निर्णायक सरकार है और कई देश हित के निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने राणा को सलाह दी कि मीडिया में बने रहने के बजाय अपने कांग्रेस नेताओं में सलाह मशवरा करें, क्योंकि कई कांग्रेस नेता मोदी सरकार की प्रशंसा करने से भी पीछे नहीं है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस पार्टी महासचिव एवं विधायक विक्रमादित्य सिंह भी शामिल हैं। स्कूली बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सतीश शुक्ला ने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए आह्वान किया। हमीरपुर बाजार के भोटा चौक से गांधी चौक पर स्कूली बच्चों द्वारा निकाली गई रैली में बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर और नारे लगाकर लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर बच्चों ने कुपोषण, बच्चों के वजन, हाथों की सफाई इत्यादि को लेकर जागरूक लाने के लिए बच्चों को टिप्स भी दिए गए। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी सतीश शुक्ला ने बताया कि स्कूल के बच्चों ने नारे लगाकर पूरे बाजार में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया है। उन्होंने कहा कि बच्चों में सफाई को लेकर ज्यादा से ज्यादा जागरूकता आए, इसी के चलते रैली का आयोजन किया गया है। हमीरपुर शहर के बीचों बीच से गुजरने वाले धर्मशाला शिमला राजमार्ग पर मरम्मत कार्य के चलते यातायात बाधित हो रहा है। वहीं अभी अगले कुछ दिन और लोगों को मरम्मत कार्य के चलते समस्या उठानी पड़ेगी। आपको बता दें कि काफी समय से सड़क की हालत दयनीय बनी हुई थी और मरम्मत कार्य के लिए काम चला हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा करीब 2 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है। पीडब्ल्यू विभाग के हमीरपुर सर्कल SCNPS चौहान के अनुसार 2 करोड़ रुपए के बजट से सड़क की मरम्मत की जा रही है।
प्रमोद कार्य के लिए इस बार पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा आईपीएच विभाग के साथ तालमेल बिठाकर काम को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें इस बार एक साइड ही बड़ी पाइपलाइन बिछाई जा रही है ताकि बार बार कनेक्शन के लिए पाइपलाइन को तलाश करने के लिए सड़क को न खोदा जाए, जिसके कारण अक्सर सड़क टूट जाती है। हालांकि पिछले 10 दिनों से मरम्मत कार्य चला हुआ है, लेकिन आईपीएच विभाग के द्वारा पाइपलाइन डालने के लिए समय लगाए जाने के चलते मरम्मत कार्य में देरी हो रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग के हमीरपुर सर्कल एससीएनपी एस चौहान ने बताया कि बोटा चौक से लेकर नादौन चौक और हमीर होटल तक सड़क मार्ग की हालत दयनीय बनी हुई थी, जिसे 2 करोड़ रुपए की बजट से सुधारा जा रहा है। उन्होंने बताया कि सड़क कार्य इसी माह पूरा किया जाएगा। सुजानपुर टीहरा में गणपति की मूर्ति की स्थापना 2 सितंबर को कर दी गई थी, जिसके उपरांत 10 दिन मूर्ति मुख्य ऐतिहासिक चौगान में रखी गई थी और मूर्ति की पूजा करने के बाद 12 सितंबर को उसका ब्यास नदी में विसर्जन कर दिया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने गणपति बप्पा मोरे का गुणगान किया और अगले वर्ष शीघ्र आने की मंगल कामना की। गणपति कमेटी के संचालक आशुतोष ने बताया कि गणपति का विसर्जन ब्यास नदी में कर दिया गया है और गणपति से प्रार्थना की गई है कि इस शहर में सुख समृद्धि और मंगल कार्य होते रहे। अगले वर्ष भी कमेटी द्वारा गणपति की स्थापना की जाएगी।